Hello, students. Welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is this and that. In today's session, we will understand the concept of this and that. Let us first understand when we use this and that. This and that are used when things are one in number. When things are one in number, koi be object, person, एनिमल अगर एक ही है वन ही है सिंगुलर है तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं दिस इज यूज टू टेल द नियर ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच आर नियर टू अस दिस इज यूज टू टेल अबाउट द नियर ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स विच आर नीयर टू आस वेन वी हैव टू टेल अबाउट दम वी विल यूज दिस कोई भी चीज अगर हमारे आस पास ही है हमारे पास ही है तो उसको बताने के लिए डिनोट करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे टी एच आई एस दिस नाउ कम्स अप दैट एनीथिंग विच इज फार अवे फ्रॉम अस कोई भी चीज जो हमसे दूर है उसको डिनोट करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे दिस इज यूज विथ नियर ऑब्जेक्ट्स दैट इज यूज विथ फार ऑब्जेक्ट्स इन बोथ ऑफ द यूसेज ऑब्जेक्ट इज ओनली वन कोई भी ऑब्जेक्ट जब वन ही नंबर होता है तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं हेयर स्टूडेंट्स यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ डियर डियर पिक्चर एंड डियर इज क्लोज डियर तो पास में ही है सो व्हाट वी विल से डैश इज अ डियर व्हाट वी विल से दिस इज अ डियर और दैट इज अ डियर येस वी विल से दिस इज अ डियर क्योंकि डियर तो पास में ही है डियर पास में है सो दैट वी विल से दिस बट हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ बियर क्या बियर हमारे पास में है नो no, बियर तो दूर है हियर द डिफरेंस ऑफ सेंटेंस एंड द बीयर इज सो लॉन्ग दैट मीन्स बियर इज फार अवे बियर तो दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज अ अर दैट इज अ अर टी एच आई एस दिस टी एच ए टी दैट दिस एंड दैट आर साइट वर्ड ऑल्सो कोई भी चीज़ जब पास होती है जैसे कि डियर तो उसके साथ हम दिस का यूज़ करेंगे कोई भी चीज जब दूर होती है जैसे कि बियर तो उसके साथ हम दैट का यूज़ करेंगे लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ मस्क मेलन एंड हेयर यू कैन सी अ वाटर मेलन सो कैन यू टेल मी विच इज दिस एंड विच इज दैट येस इन दोनों में से मस्क मेलन पास है तो मस्क मेलन होगा दिस दिस इज अस्क मेलन बट द वॉटर मेलन इज फार वटर मेलन तो दूर है कितना डिस्टेंस है दोनों में सो so, क्या होगा दैट इज अ वाटर मेलन क्या होगा दैट इज अ वाटर मेलन कोई भी चीज जब पास होगी तो दिस जब दूर होगी तो दैट वॉटरमेलन दूर है तो दैट मस्क मेलन पास है तो दिस लेट एस मूव फॉरवर्ड एंड सी मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट एन सी अ पिक्चर ऑफ पैरट एंड पिक्चर ऑफ पीकॉक यस स्टूडेंट पैरट पास है तो हम बोलेंगे दिस इज अ पैरेट और पीकॉक दूर है तो हम क्या बोलेंगे दैट इज अ पीकॉक दिस इज अ पैरट पीकॉक पीकॉक जब दूर होगा तो दैट पैरिट पास है तो दिस जो भी चीज अगर पास है तो वो दिस होती है दूर होता है तो वो दैट होता है यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ बॉल एंड पिक्चर ऑफ बलून येस बोथ द पिक्चर आर ओनली वन कोई भी चीज जब वन इन नंबर होती है तब वो हो जाती है दिस और दैट आप लोगों ने कंसेप्ट किया था वन और मैनी का मतलब एक, कोई भी एक. एक ही है. और पास में भी है तो हम बोलेंगे दिस इज अ बॉल दिस इज अ बॉल क्योंकि बॉल वन है और बॉल पास है नियर है बट हेयर बलून इज फार अवे सो वॉट वी विल से ज अ बलून बलून इज ऑल्सो वन इन नंबर बट दैट इज फार अवे दूर है तो हम क्या बोलेंगे दैट इज अ बलून दैट इज अ बलून आई होप स्टूडेंट्स यू कैन नाउ क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट हियर यू कैन सी टू किड्स दिस इज अ बॉल क्यों क्योंकि इस गर्ल के पास ही बॉल है गर्ल के पास ही बॉल है तो वो क्या बोलेगी दिस इज अ बॉल लेकिन ये जो बॉय है ये बॉल उससे दूर है उसके पास तो नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दैट इज अ बॉल ऑल फॉर फोटेस कंसेप्ट ऑफ दिस एंड दैट